टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में। जब हम हार्मोन्स के चैप्टर को पढ़ते हैं तो इनिशियली हमें ये सारी नॉलेज यूजुअली सारे हार्मोन्स को पढ़ने से पहले होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन और वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आगे तक काम आते हैं। बिकॉज जब आपको डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में हम बताएंगे तो हम हर बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करते कि ये पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन है तो इसका जो रिसेप्टर नेचर है वो किस तरीके का होगा, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग है वो कैसे होगी, या फर्दर कोई सेकेंड मैसेंजर है तो वो कैसे होगा। तो ये कुछ चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आप मानिए कि एंडोक्राइन सिस्टम की बैकबोन आप मिस कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हार्मोन रिसेप्टर्स। तो किसी भी हार्मोन का अपने एक्ट को करने का सबसे पहला एक्शन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होना होता है, टू बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट सेल। और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल होती है और वही उस पर्टिकुलर टारगेट सेल पे ही काम करती है। और यही कारण है कि सर्कुलेशन में आने के बाद कई सारे हार्मोन्स आते हैं लेकिन हर हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू पे ही काम करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर लार्ज प्रोटीन्स, और एक रिसेप्टर जो है एक सेल में जो रिसेप्टर्स की संख्या होती है वो तकरीबन 2000 से 1 लाख रिसेप्टर्स नंबर्स होते हैं। ईच रिसेप्टर इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो लोकेशन ऑफ रिसेप्टर के हिसाब से कौन सा हार्मोन जो है किस तरीके के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, यानी किस केमिकल नेचर का हार्मोन किस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो रिसेप्टर्स जो इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, आप यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये लिपिड बाइलेयर है सपोज, ठीक है, और दिस इज़ द सेल, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर में वो रिसेप्टर जो सरफेस पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, वहाँ कौन से नेचर के हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सपोज दिस वन इज़ द रिसेप्टर, तो यहाँ पे जो एक्ट होने वाले हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर्स के पॉलीपेप्टाइड नेचर्स के होते हैं। इनका डिफरेंस हम आपको बता चुके हैं। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, सेल सरफेस पे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, इन सेल साइटोप्लाज्म, सपोज ये एक सेल है तो सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं तो किस तरीके के हार्मोन्स यहाँ पे एक्ट करते हैं, बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, विटामिन डी। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं इनके रिसेप्टर्स सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है इन द सेल न्यूक्लियस, वो रिसेप्टर्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, तो किस तरीके के हार्मोन यहाँ एक्ट करते हैं, अमाइन्स और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं थायरॉयड हार्मोन्स। तो ये जो थायरॉयड हार्मोन्स हैं ये बेसिकली कहाँ एक्ट करेंगे, न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर आता है स्पेसिफिसिटी, जो हम बता चुके हैं कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर ईच हार्मोन, हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और वो उसी टारगेट रिसेप्टर पे काम करके टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन सेल पे काम करता है। नेक्स्ट आता है नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, कि इनका नंबर और सेंसिटिविटी किस तरह से निर्धारित होती है। सो यूजुअली ये वेरी करती है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि कितनी रिक्वायरमेंट है इस सिचुएशन के ऊपर उस रिसेप्टर्स के नंबर और उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। और ये रेगुलेट होती है बाय टू मैकेनिज्म, और इस पर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि डाउन रेगुलेशन या अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन क्या होता है। सो लेट स्टार्ट डाउन रेगुलेशन। तो डाउन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। डाउन मतलब डाउन यानी कम होना, अप मतलब बढ़ना, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन
जब हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट कम हो उस कंडीशन में क्या होता है, ये रिसेप्टर्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है, उसे बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। ड्यू टू इंक्रीज हॉर्मोन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि ब्लड में ऑलरेडी हॉर्मोन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, या बाइंडिंग रिसेप्टर टारगेट सेल्स, जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है कि कॉज डिक्रीज नंबर ऑफ एक्टिव रिसेप्टर्स, तो डिक्रीज हो जाते हैं एक्टिव रिसेप्टर्स का नंबर, और ये डिक्रीज एक्टिव रिसेप्टर्स का नंबर कहलाता है डाउन रेगुलेशन। और इसका क्या रिजल्ट होता है, कैसे होता है डाउन रेगुलेशन, या तो इनएक्टिवेशन हो जाए सम एक्टिव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का, या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ सम इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, जो सिग्नल करते हैं फॉर मोर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स, या फिर टेम्प्ररी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर टू इनसाइड ऑफ द सेल डिक्रीज इंटरेक्शन, यानी सिक्वेस्ट्रेशन यानी यूजुअली जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते हॉर्मोन्स के साथ और जो बाइंडिंग है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स बाय लाइसोसोम्स आफ्टर दे इंटरनलाइज्ड, ये लाइसोसोम्स के द्वारा जो है रिसेप्टर्स को डिस्ट्रक्शन हो जाए। फाइनली नेक्स्ट आता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर, यानी एक्टिव रिसेप्टर्स का जो प्रोडक्शन है वही डिक्रीज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फाइनली क्या करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस टू हार्मोन, यानी जब रिसेप्टर्स की संख्या कम हो गई तो इस पे बाउंड होने वाले हार्मोन्स की संख्या भी कम हो गई, तो जो टारगेट टिश्यू है उस पे हार्मोन का रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो गया, इसे बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। दूसरा आता है अप रेगुलेशन, यानी अप मतलब बढ़ना, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरह से एक्ट करें कि एक्टिव रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाए, या तो इंड्यूस ग्रेटर दैन नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर, या तो नॉर्मल फॉर्मेशन से ज़्यादा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए रिसेप्टर्स का, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी ऑफ टारगेट सेल्स, यानी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो है प्रोटीन के थ्रू बनने वाले रिसेप्टर सेल्स का मैन्युफैक्चर नंबर बढ़ जाए, या फिर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर इंट्रैक्शन विद हार्मोन, या फिर ग्रेटर नंबर यानी ज़्यादा मात्रा में रिसेप्टर्स जो है अवेलेबल हो जाए हार्मोन्स से बाइंड करने के लिए। तो इन तीनों कारणों से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा अपरेगुलेशन, यानी टारगेट टिश्यू पे हार्मोन का रिस्पॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइनली टारगेट टिश्यू बिकम्स मोर सेंसिटिव ऑफ टू स्टिमुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन, एंड दिस इज नोन एज अप रेगुलेशन। और अगर आपसे हार्मोन रिसेप्टर से रिलेटेड इस तरीके का कोई शॉर्ट नोट या कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे कि डाउन रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स या अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, लोकेशन के हिसाब से किस तरीके के हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इस चैप्टर के थ्रू आप अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स जो है टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।